हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर पोस्ट कर दिए, जिन्हें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यहां पर शेयर किए मैंने अमेजॉन की लिंक्स और पोस्ट किए वर्ग 3 की बुक्स और CTET की बुक्स, जो सफलता के बहुत करीब आपको ले जाती है। तो दोस्तों, जो आप कमेंट करते हैं उनसे ही बनता है मेरा अगला वीडियो। तो कुछ कन्फ्यूजन मैं लेकर आया हूं जो कि आपको पढ़ाई से थोड़ा दूर कर देते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। उनके बारे में मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि कौन कौन से कन्फ्यूजन है। एक तो ये है कि वर्ग 3 में क्या प्रथम भाषा द्वितीय भाषा रहेगी या फिर कॉमन इंग्लिश या हिंदी रहेगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड ये है कि सर, क्या वर्ग 3 में अच्छे नंबर लाने के लिए कोचिंग क्लास जरूरी है, क्या हम घर पर तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूं। तो ऐसे बहुत से भाई बहन है जो कि गरीब परिवार से हैं और कोचिंग क्लास जैसे आप जानते हैं कि काफी महंगी होती है, तो क्या वो घर पर बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो इस बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतना मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, काफी हौसला मेरा आप बढ़ा देते हैं जिससे कि मैं अगला वीडियो लेकर आता हूं, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अब वर्ग 2 और 1 की तरह वर्ग 3 में भी प्रथम लैंग्वेज और द्वितीय लैंग्वेज रहेगी कि नहीं लगेगी, यानी प्रथम भाषा द्वितीय भाषा रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है। तो दोस्तों, ये बात कहाँ से आई और क्यों उठी मुझे पता नहीं, लेकिन लगातार ये कमेंट आ रहा है कि सर आप बता रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी वीडियो में और उसमें मैंने संस्कृत वालों के लिए एक बेस्ट बुक्स बताई थी कि इससे आप तैयारी करें तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, वर्ग जो हम प्रथम लैंग्वेज की बात करें या द्वितीय लैंग्वेज की, ठीक है। तो उसमें ये कमेंट काफी आए और वीडियो पे भी आए कि सर आप कैसे कह सकते हो कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा रहेगी, इसमें तो कंपलसरी है हिंदी और इंग्लिश। तो हम बात करें 2011 के संविदा शिक्षक एग्जाम में, उसमें भी 4 लैंग्वेज थी वर्ग 3 में आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज में, यानी कि 4 लैंग्वेज कौन सी थी आपकी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश, है ना। तो इनमें से आपको 2 लेनी थी, तो इसमें भी सेम पैटर्न है। आप वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें और वर्ग 3 की बात करें, आपको प्रथम और द्वितीय भाषा में इन चारों लैंग्वेज में से कोई ना कोई लेनी है। जो प्रथम में लेते हो वो द्वितीय में नहीं ले सकते, जो द्वितीय में लेते हो वो प्रथम में नहीं ले सकते, ये इसका नियम है। तो कहां पर कन्फ्यूजन पैदा हो गया मुझे पता नहीं है, लेकिन अपने मन से दूर कर लें ये कन्फ्यूजन। आप चाहे इंग्लिश ले सकते हैं, आप चाहे उर्दू ले सकते हैं, आप चाहे संस्कृत ले सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, 4 में से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं, तो इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना आए दोस्तों, ठीक है। तो ये एक कन्फ्यूजन था बहुत बड़ा और क्यों क्रिएट हो गया मुझे पता नहीं है। और जो आपके एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 की तरह कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं लेना है, सबके लिए कॉमन होगा। कॉमन एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है और इसके अलावा मैथ पढ़ना है और पर्यावरण पढ़ना है, ये सबके लिए कंपलसरी है। लैंग्वेज की बात करें तो अपने हिसाब से आप ले सकते हो 4 लैंग्वेज में से कोई भी 2, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। सेकंड कन्फ्यूजन ये है कि हमें कोचिंग क्लास ज्वाइन करना जरूरी है क्या, महंगी कोचिंग क्लास के लिए बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो क्या तभी सफलता मिलती, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग 3 की मैं बात करूँ, मैंने दिए थे 2011 में जब संविदा शिक्षक था, उस टाइम पर मैंने वर्ग 3 का जो एग्जाम दिया था वो बिना कोचिंग क्लास के दिया था। मैंने PSC के एग्जाम प्री निकाले हैं, मेंस में थोड़े कम नंबर रह जाते हैं, मेंस तक इंटरव्यू तक मैं पहुंच जाता हूं, तो उस हिसाब से मैंने कभी भी कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं की है। हालांकि लोकल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं, तो वो मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन सी कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी, तो मैंने अभी तक PSC के लिए कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं की है, अपने बुक से ही पढ़ाई करता रहा। वर्ग 3 में मैंने 2011 में दिया था, 569 भी रैंकिंग आई थी, कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं की थी, सिर्फ ये था कि मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करता हूँ, जो कि मेन आपकी बुक्स होती हैं उनसे पढ़ाई करता हूँ, और साथ में जो कंपटीशन के लिए बुक्स निकलती रहती हैं उनमें मैं ये देखता हूँ कि कौन से टॉपिक हैं जो इसमें नए दिए गए हैं, जो मेरी उन टेक्स्ट बुक से जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ उनसे कम्प्लीट नहीं हुए, तो मैं उन बुक्स में वो टॉपिक लेकर उन्हें उस बुक्स के हिसाब से कम्प्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डबल फायदा होता है। देखो, एक तो आपको क्या करना है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, यानी 6, 7, 8, 9, 10th, ये 9, 10th इसका कठिन स्तर रहेगा और आप 5th से लेके 8th तक का इसका सरल स्तर रहेगा, ठीक है। तो इतने तो आपको करना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स का तौर से, अगर आपने 8th क्लास तक का मैथमेटिक्स कंप्लीट कर दिया तो मैथ में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि बहुत से भाई बहनों ने यह कहा कि कोचिंग क्लास के लिए मैथमेटिक्स की तो लगाना जरूरी है क्योंकि वो कैसे समझ में आएगा, तो यदि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो, ठीक है, जो CBSE की हो, NCERT की, उससे भी पढ़ते हो, MP बोर्ड की, तो आप देखोगे कि उसमें दिया हुआ है, आपके पूरे एग्जाम्पल दिए होते हैं कैसे आपको हल करना है, और इकाई बाई इकाई दिया होता है, यानी पार्ट बाई पार्ट वो आपको समझाते हैं, है ना।
और इसके अलावा आप कंपटीशन से रिलेटेड बुक्स जो मैंने आपको बताई है उसमें भी पार्ट बाय पार्ट समझाया गया है। तो मैथमेटिक्स तो आप कंप्लीट कर सकते हो, फिर भी आपको दिक्कत आती है कि कोई समझाने वाला चाहिए, तो डेफिनेटली वहां पर आपको कोचिंग क्लास की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, तो कोचिंग क्लास की इतनी आवश्यकता होती नहीं है जितनी की बताई जाती है। एक मेरे हिसाब से जरूरत की जगह फैशन सा ज्यादा हो गया कोचिंग क्लास। कोई बुरा ना माने, कोचिंग क्लास के खिलाफ नहीं हूं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग क्लास से ही निकलते हैं और अच्छी अच्छी जॉब प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि फैशन ज्यादा हो गया है कि आप किसी भी कंपटीशन में फॉर्म फिल करते हो तो दूसरी बात मन में ये आती है कि हम कौन सी कोचिंग क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये दूसरी कोचिंग क्लास जो आपके दूसरा थॉट आता है कि कोचिंग क्लास कौन सी ज्वाइन करें, उसकी जगह आपके मन में एक थॉट आना चाहिए कि हम कौन सी बुक्स सजेस्ट करें, हम कौन सी बुक्स लें जिससे कि हमें लाभ मिले। मेरा हमेशा ये रहता है कि आपने किसी भी कॉम्पिटिशन में फॉर्म फिल किया है तो अधिकतर तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपने पढ़ रखी हैं उन पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि वो एक तो आपकी पढ़ी हुई हैं, याद की हुई हैं, उसकी भाषा शैली आपने समझी हुई है, और दूसरा उस कंपटीशन से रिलेटेड कोई बेस्ट बुक्स है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी ऐसी कोई बुक्स है तो उसे भी ले लें। तो उसमें आपके कौन से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे जो इन बुक्स में आपने टॉपिक क्लियर नहीं हो पाए हैं और एग्जाम के हिसाब से वो कंपलसरी हैं, वो टॉपिक आपके क्लियर होना चाहिए, तो उससे आपको वो मालूम पड़ जाता है। तो ये दोनों का यदि आप मैच कर लेते हो दोनों बुक्स का, तो फिर कोचिंग क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी कोचिंग क्लास काफ़ी महंगी होती है। जैसे अभी वर्ग दो का एक मैं आपको उदाहरण सुनाऊं कि एक लड़का था और एक कोचिंग क्लास में वो गया था वर्ग दो की तैयारी के लिए, और उसका सब्जेक्ट था हिंदी वर्ग दो में। तो जैसे ही वो बैठा तो तीन चार दिन तो उसे फ्री में बैठने दिया, और पाँचवें दिन से उस पर प्रेशर बनाने लगे कि आप एडवांस जमा करा दें और कोचिंग क्लास में आपने दो तीन दिन पढ़ लिया है, अब इसके बाद आप फीस जमा करा दें। चूंकि उसके पास था नहीं, उसने कहा कि जैसे ही एक महीने निकल जाने दो अगली एक तारीख को मैं आपके पास जमा करा दूंगा। और बाकी में वो गरीब परिवार से था, ऐसा नहीं कि वो कोई झूठ बोल रहा हो कि ऐसा हो कि वो कोचिंग के पैसे बचाना चाह रहा हो, लेकिन बाकी में गरीबी थी और एक तारीख को उसने कहा मैं जमा कर दूंगा, लेकिन वो नहीं माने, कोचिंग क्लास में से उसे निकाल कर बाहर भेज दिया गया कि नहीं आप कल से मत आना। तो एक तो उस पर एक अननोन प्रेशर पड़ा, एक ऐसा लगा कि किसी ने उसकी इंसल्ट कर दी, वो इतने लोगों के सामने वो सीधा बाहर निकाल दिया। मेरा उससे संपर्क हुआ तो मैंने कहा कि हिंदी में तो एमए मैंने भी किया, तो तू मेरे घर आ जाया कर, मैं तुझे कोचिंग दे दूंगा, जो भी समझ में ना आए वो मैं समझा दिया करूंगा। तो आपने देखा होगा 6 तारीख से लेके और 12 13 तारीख तक मेरे कोई वीडियो नहीं आए थे, 6 7 8 9 10 इस टाइम पर मैंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया। और पहले मैं हर संडे को वो आता रहता था, तो हर संडे को मैं उसे कुछ ना कुछ पढ़ा देता था, 6 दिन वो अपने पढ़ता था, 7वें दिन कोई भी उसे दिक्कत आ रही ग्रामर में या कुछ भी तो वो मैं इससे समझा देता, या बाल विकास में या इंग्लिश उसने ली थी तो उसमें, तो उस हिसाब से। तो यहाँ पर कोचिंग क्लास यदि आपका रीजनेबल है, सेम प्राइस में पढ़ा रही, कम पैसों में पढ़ा रही, तो वो बेस्ट है। यदि महंगी कोचिंग क्लास है तो फिर वहाँ पर दिक्कत पड़ जाती है उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास कोचिंग क्लास के पैसे नहीं है। दोस्तों सेकंड इसमें ये पूछा जाता है कि सर ऑनलाइन कौन सी कोचिंग क्लासेस अच्छी हैं आप बताएं। तो मैंने कभी ऑनलाइन कोचिंग क्लास ली नहीं है दोस्तों, सही बताऊं। अब जिसके बारे में मैंने कभी खुद ही नहीं पढ़ा है उसके बारे में आपको क्या बता सकता हूं। जैसे बुक्स होती हैं तो मैंने खुद पढ़कर कोई भी कंपटीशन पार किया है या अच्छे नंबर लेके आया हूं तो वो बुक्स से आया हूं, तो वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। अब जैसे एक ऐप भी बताते हैं, बहुत सारे ऐप आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं तैयारी के लिए, तो बहुत से भाई बहन पूछते हैं कि सर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप क्यों नहीं बताते हैं जबकि सब बता रहे हैं। क्योंकि वो ऐप मैंने इस्तेमाल की तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हुआ ऐप में, और कोई भी सॉफ्टवेयर मैंने देखा तो उसमें भी मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो जो चीज मुझे कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल कर देती वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि मैंने कोई भी आपको ऐप नहीं बताई, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बताया कि इससे आप पढ़ाई करें, क्योंकि उसमें मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूं। और ऑनलाइन कभी मैंने खुद नहीं पढ़ा है तो उसका भी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, कौन सी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपको अच्छा पढ़ा सकती हैं, कौन सी नहीं पढ़ा सकती, तो वो भी मुझे इतना उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही ऑनलाइन कोचिंग क्लास नहीं ली, कभी किसी ऐप का सहारा नहीं लिया, सिर्फ बुक्स से मैंने पढ़ाई की है और बेस्ट रिजल्ट हासिल किया है। तो बुक्स के बारे में आपको बता सकता हूं, तो जो भी बुक्स बताता हूं वो अपने आप में बेस्ट होती है और वही मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं।
तो बुक से, मेरे हिसाब से बुक से पढ़ाई कर सकते हैं आप, और कोचिंग क्लास की भी ऐसी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं अभी आईएएस का, जैसे एग्जाम का आपने देखा होगा कि रिजल्ट घोषित हुआ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना कोचिंग क्लास के अच्छे नंबर लेकर आए हैं, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग क्लास के आप अच्छा नहीं पढ़ सकते। हाँ, आपके पास है और आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है और आपको कोचिंग क्लास कंपलसरी यानी जरूरी है कि हमें मैथ में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। लेकिन वहां पर अपनी यह देखना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारे घर वालों की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि आप जैसे कहोगे ना कि हमें कोचिंग क्लास ज्वाइन करने है, तो आपको पता नहीं है कि आपके घर वालों पर कितना आर्थिक प्रेशर पड़ता है उस चीज का, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की कहोगे, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करेंगे या कहीं ना कहीं से पैसे लाकर आपको दे देंगे, लेकिन आपको यह देखना है अपने हिसाब से कि वाकई में हमें बुक्स में समझ में नहीं आ रहा है, तब कोचिंग क्लास ज्वाइन करें। यदि आपको बुक्स में समझ में आ रहा है, आप पूरा क्लियर कर सकते हो, तो फिर कोचिंग क्लास की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, दोनों ही मैंने आपको दे दिए हैं कि इसमें फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज रहेगी रहेगी वर्ग तीन में, और कोचिंग क्लास की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो डेफिनेटली आप घर बैठकर भी बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को इतना समय दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।